हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम आए हुए हैं गिरिराज कैफ़े। तो आज हम आपको पूरा गिरिराज कैफ़े घुमाएंगे, दिखाएंगे आपको। तो आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा फ्रेंड्स। तो हम आए थे रक्षाबंधन पे मम्मी के घर, तो बहन भी आई थी, बहनोई थे हमारे, बच्चे भी सब आए थे, हम सब लोग साथ में आए थे। तो आज हम लोगों का एकदम से प्लान बन गया कि हम लोग चलते हैं रेस्टोरेंट्स, डिनर करके आते हैं। तो हम लोग आए हैं गिरिराज कैफ़े, जो कि लखनऊ के तेलीबाग में है, और यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा है। हम सब लोग आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, सब लोग बातचीत कर रहे हैं। बारिश बहुत तेज़ हो रही है, तो हम सब लोग बाहर नहीं हैं, अंदर की तरफ बैठे हुए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर बाहर का सीन बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया है इन लोगों ने यहाँ पर, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम आपको अभी दिखाएंगे कि बाहर का यहाँ पर क्या सीन है, कैसा इन्होंने डेकोरेट किया है। तो बारिश थोड़ा बंद होगी तो भी तब हम आपको पूरा घुमाएंगे। तो अभी सब लोग बैठे हुए हैं और सेल्फी खींच रहे हैं, बातें भी चल रही हैं, मोबाइल सबके चल रहे हैं, कुछ लोग फ़ोटो खींच रहे हैं, कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं। तो आप देखिए कि सब लोग कैसे मस्ती कर रहे हैं। और यहाँ पर आने के बाद बच्चे बहुत खुश हैं, क्योंकि बच्चों को नहीं पता था कि हम लोग आज कहीं घूमने जाने वाले हैं बाहर, तो अचानक से हम लोग आ गए हैं। तो बच्चे बहुत खुश हैं। तो अभी हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, तो देखिए हम लोग चाउमीन और मंचूरियन अभी खा रहे हैं। तो ये हमने स्टार्टर में ऑर्डर किया हुआ है फ्रेंड्स। तो इसके बाद हम लोगों ने स्प्रिंग रोल भी खाई थी, चिली पनीर भी हम लोगों ने खाई है स्टार्टर में। और खाने के बाद हम सब लोग अभी घूमेंगे, फिरेंगे, थोड़ा सा बाहर जाएंगे। तो ये जो हम लोगों ने नाश्ता किया है, ये हमारी पसंद का बिल्कुल भी नहीं है, बच्चों को ये बहुत पसंद है, तो बच्चों के लिए हमने मंगवाया था। तो हम सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा चेक किया है, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट है इसका, टेस्टी बनाया है इन्होंने। तो देखिए, ये हमारी सिस्टर है छोटी, जो कि सर्व कर रही हैं बिटिया को। और अभी हम सब लोग नाश्ता करेंगे और उसके बाद हम बाहर घूमेंगे, आपको बाहर का पूरा दृश्य दिखाएंगे, गिरिराज कैफ़े का पूरा दृश्य दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं, कैसा इन्होंने बनाया हुआ है। तो देखिए, बिटिया है मौसी के साथ। तो बारिश थोड़ा सा बंद हो गई है, लेकिन गीला है अभी, तो हम फिर भी आपको पूरा घुमा देते हैं, दिखा देते हैं कि यहाँ पर डेकोरेशन किस तरह से है। तो देखिए, ये पीछे हॉल दिखाई दे रहा है, वहाँ पे हम नहीं गए हैं, वहाँ पर हॉल है, किसी की एंगेजमेंट वगैरह होती है तो वहाँ पर बुकिंग हो के ही पूरा सिस्टम होता है वहाँ पर। तो ये हम बाहर ही घूम रहे हैं। तो देखिए कितने बढ़िया बढ़िया से यहाँ पर बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं, जो देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं। यहाँ पर खड़े होकर फ़ोटो खिंचाने से फ़ोटो बहुत सुंदर आ रही है। तो देखिए, मनी प्लांट है, जो कि पूरी तरह से दीवारों पर फैली हुई है, चढ़ी हुई है, और काफ़ी हरियाली है यहाँ पर। अशोक के प्लांट भी लगे हुए हैं, और इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से डेकोरेट भी किया है। तो अभी चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं। सेल्फी पॉइंट भी इन्होंने बहुत अच्छा बना रखा है, और ये सारी टेबल लगी हुई हैं बाहर की तरफ। तो देखिए, सारी टेबल गीली हुई हैं, सब पे पानी पड़ा हुआ है, क्योंकि ये पूरा खुले में है बाहर की तरफ, तो यहाँ पर पानी बरस रहा है, तो यहाँ पे लोग नहीं आए हुए हैं। बाकायदा चेयर वेयर यहाँ पे लगी हुई हैं, लोग आते हैं यहाँ पर, डिनर करते हैं, चाय कॉफ़ी लेते हैं, और बाहर बैठ के बातें भी करते हैं। बारिश की वजह से यहाँ पर कोई नहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सन्नाटा दिखाई दे रहा है। तो ये इन्होंने सेल्फी पॉइंट बना के रखा हुआ है, यहाँ पे लोग आते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, खिंचवाते हैं, और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इन्होंने ऊपर से भी पूरा अच्छे से टेंट लगा रखा है, फूलों का टेंट बनाया है इन्होंने, जो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो हम सब लोग घूम रहे हैं, बाहर बैठ के हम लोग नाश्ता करके आए हुए थे और यहाँ घूम रहे हैं। तो देखिए, बाहर का रोड दिखाई दे रहा है, यहाँ से एंट्री होती है, हम वहीं पर हैं, और आपको पूरा घूम घूम के हम दिखा रहे हैं, चारों तरफ का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। तो सिस्टर हमारी देखिए फ़ोटो खिंचवा रही हैं, सब लोग फ़ोटो खिंचवाने में लगे हुए हैं। ये देखिए, सब पानी पड़ा हुआ है, पीछे की तरफ प्लांट हैं,
और ये देखिए ऊपर इन्होंने कितने अच्छे अच्छे फ्लावर लगा रखे हैं, ये छत बना रखी है फूलों की। तो हम आपको ये भी दिखा रहे हैं पूरा, कितना सुंदर लग रहा है देखने में, फ्लावर का ही झूमड़ बना के इन्होंने लगा रखा है यहाँ पर। अब हम लोग अंदर आ चुके हैं क्योंकि टाइम हो रहा है डिनर का, तो घर भी जाना है, रात के 10 बज चुके हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं कि जल्दी से डिनर कर लिया जाए और घर चला जाए। तो यहाँ पर सब लोगों ने अपने अपने मन का खाना ऑर्डर किया है, जिसको जो पसंद आ रहा है वो ऑर्डर करते जा रहा है। तो देखिए हम लोगों ने क्या मंगाया है, तंदूरी रोटी है, मिक्स वेज है, मटर पनीर की सब्जी है, दाल मखनी है, फ्राई राइस है और काफ़ी चीज़ें हैं जो कि मुझे याद नहीं आ रही हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से डिनर किया है। और डिनर करने के बाद हम मिलेंगे अभी अपने इस रेस्टोरेंट के मालिक से, क्योंकि ये हमारे रिलेटिव हैं जिनका ये कैफ़े है। तो ये हमारे रिलेशन में हैं, रिश्तेदार हमारे हैं, तो हम लोग इनसे भी मिल लेंगे, मुलाकात कर लेंगे, थोड़ी सी बातचीत भी कर लेंगे क्योंकि हमारा यहाँ आना नहीं हो पाता है, ये हमारे घर से काफ़ी दूरी पर है, तो हमारा जल्दी जल्दी यहाँ आना नहीं हो पाता है। तो देखिए अब हम लोग जा रहे हैं, तो ये भैया हमको मिल गए हैं, पापा नहीं हैं इनके, तो हम लोग भैया से थोड़ी देर बातें करेंगे। और सब लोग सौंफ खा रहे हैं खाना खाने के बाद, देखिए सबके मुंह चल रहे हैं। तो ये भैया मिल गए हैं, तो इनसे हम थोड़ी सी बातचीत कर लेंगे और उसके बाद हम लोग घर की तरफ जाएंगे। अभी हम आपको बाहर का भी पूरा सीन दिखाएंगे कि बाहर से ये गिरिराज कैफ़े कैसा दिखता है। तो अभी हम चल रहे हैं धीरे धीरे बाहर की तरफ आ रहे हैं। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है, जब से हम लोग गए हैं इतनी ढेर सारी फ़ोटो सब ने खींची हैं, लेकिन अभी भी किसी का मन नहीं भरा है, चलते चलते भी सब लोग फ़ोटो में ही लगे हुए हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं। तो देखिए हवा भी बहुत अच्छी चल रही है क्योंकि मौसम बिल्कुल बारिश का बना हुआ है, रुक रुक के बारिश हो रही है और बारिश इस तरह से हो रही है कि झमाझम बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश होती है, फिर रुक जाती है थोड़ी देर के लिए, फिर होने लगती है। तो अभी थोड़ा सा बारिश रुकी हुई है तभी हम लोग वीडियो शूट कर पा रहे हैं, नहीं तो हम वीडियो भी नहीं शूट कर पाते। तो देखिए सब लोग बाहर की तरफ आ रहे हैं और हम भी बाहर की तरफ ही जा रहे हैं, जल्दी से जाएंगे और गाड़ी में बैठेंगे फिर घर चले जाएंगे। फ्रेंड्स अभी हम आपको बाहर का पूरा सीन भी दिखा देंगे, रोड पे निकल के भी हम थोड़े से वीडियो आपके लिए बना लेंगे ताकि आपको पता चले कि ये जो हमारा रेस्टोरेंट है बाहर से कैसा दिखाई देता है। तो देखिए हम बाहर आ चुके हैं गेट से, ये हमारा बाहर का है पूरा सीन, हम रोड से बना रहे हैं वीडियो, तो ये अंदर बाहर से ऐसा दिखता है और अंदर से तो हमने आपको पूरा दिखा ही दिया। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड।